ब्रेन एक्टिवेशन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिसे हम थर्ड आई एक्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं, की सहायता से अब आपके बच्चों की छुपी हुई क्षमताएं भी जागृत हो सकती है। अब आपके बच्चों के लिए भी उनके आईक्यू लेवल और छठी ज्ञान इंद्री का अधिकतम प्रयोग कर पाना संभव होगा। वैसे तो इस कोर्स के बाद हमें बच्चों में सभी क्षेत्रों में बहुमुखी विकास देखने मिलता है, पर प्रमुख रूप से इस कोर्स के बाद बच्चों की स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास बढ़ जाता है, पढ़ने एवं सीखने की क्षमता तीव्र होती है, भावनात्मक संतुलन एवं स्थिरता आती है, भावनाओं पर नियंत्रण स्थापित होता है, आभासी क्षमताओं का तीव्र गति से विकास होता है, ज्ञानेंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करने की क्षमता विकसित होती है, छठी ज्ञानेंद्री जागृत एवं विकसित होती है, मस्तिष्क के दोनों भाग समान रूप से सक्रिय होते हैं, ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करने की योग्यता आती है, ध्यान की उच्च अवस्था में ठहरने की क्षमता आती है, और ध्यान की उच्च अवस्था वो स्थिति होती है जिसमें दिमाग अपनी क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग कर पाना सीखता है और बच्चों को बंद आंखों से भी दिखाई देना संभव हो जाता है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ध्यान की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के बाद बच्चे आंखों में पट्टी बांधकर बंद आंखों से भी खुली आंखों की तरह ही आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ, योग और विज्ञान के अद्भुत संगम से निर्मित इस अविश्वसनीय कोर्स से ये संभव है, और अब इसका लाभ आप भी ले सकते हैं और दे सकते हैं अपने बच्चों को उनकी जिंदगी का सर्वोत्तम उपहार। मिड ब्रेन एक्टिवेशन की प्रक्रिया में हम ध्यान की उच्च अवस्था में पहुंच पाते हैं, जिससे हमारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और इससे मेलेटोनिन एवं सेरोटोनिन नामक हार्मोन स्त्रावित होने लगता है, और ये हार्मोन हमें हमारी अन्य ज्ञान इंद्रियों का अधिकतम प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करते हैं, साथ ही हमारी आभासी क्षमताओं को जागृत कर देते हैं, जिससे मस्तिष्क का ऑक्यूपेटल लूप संवेदनाओं को अन्य माध्यमों से सीधे ग्रहण करने में सक्षम हो जाता है और बंद आंखों से भी देख पाना संभव होने लगता है। कैसे पूरी होती है कार्यशाला में एक्टिवेशन की प्रक्रिया? हमसे अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या बच्चे 8 घंटे तक निरंतर क्लास में रह पाएंगे, वो इतनी देर तक क्या करेंगे, उनको किसी किस्म की परेशानी तो नहीं होगी, वगैरह वगैरह। हम आपको यह बताना चाहेंगे कि लगभग 8 घंटों तक चलने वाली कार्यशाला 2 चरणों में पूरी होती है और प्रत्येक चरण लगभग 3.5 से 4 घंटों का होता है। इस बीच बच्चों का लंच ब्रेक भी होता है। सर्वप्रथम हम बच्चों को कार्यशाला के विषय में विस्तार से बताते हैं, फिर प्रार्थना के बाद कार्यशाला शुरू की जाती है। प्रथम चरण में वार्म अप के लिए कुछ शारीरिक व्यायाम कराया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे मस्तिष्क का दायां भाग हमारे शरीर के बाएं भाग को और हमारे मस्तिष्क का बायां भाग हमारे शरीर के दाहिने भाग को नियंत्रित करता है, और हर व्यक्ति का कोई एक भाग ज्यादा सक्रिय होता है। यही कारण है कि हमारा कोई एक हाथ सभी कार्यों को अधिक निपुणता से कर पाता है, जबकि दूसरा हाथ अपेक्षाकृत कम निपुण होता है। इस स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अगले चरण में हम मस्तिष्क के दाएं एवं बाएं भाग को समान रूप से सक्रिय करने के लिए ब्रेन जिम कराते हैं, जो कि बच्चों को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट घर पर भी करनी होती है। फिर हम ध्यान के छोटे छोटे प्रयोग कराते हैं। प्रत्येक प्रयोग 10 से 15 मिनट का होता है, जिससे हमें मस्तिष्क को एकाग्र करने एवं उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायता मिलती है। अगले चरण में हम आंखों से संबंधित व्यायाम कराते हैं, जिससे आंखों की कार्य क्षमता बढ़ती है और ध्यान की प्रक्रिया के दौरान वो आसानी से विश्राम की अवस्था में जा पाती है। जब आंखें जागृत अवस्था में संपूर्ण विश्राम प्राप्त करती है, तभी हमारी अन्य ज्ञान इंद्रियां पूर्ण रूप से सक्रिय हो पाती है। इसके बाद मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने हेतु कुछ पजल्स और गेम खिलाए जाते हैं, जिससे संपूर्ण मस्तिष्क सक्रिय हो उठता है और अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन देने की स्थिति में आ जाता है। इस बीच मनोरंजन और कार्यशाला में सहभागिता बढ़ाने के लिए बच्चों की रुचि के अनुसार कुछ डांस वगैरह भी कराए जाते हैं। हमारे मस्तिष्क से अलग अलग कार्यों के दौरान अलग अलग ध्वनि तरंगों का उत्सर्जन होता है। जब हमारा मस्तिष्क किसी समस्या का समाधान खोज रहा होता है या पढ़ाई या याददाश्त के उपयोग से संबंधित कार्य कर रहा होता है,
तो उस समय उससे जो ध्वनि तरंगें उत्सर्जित होती हैं, उन्हें गामा तरंगें कहा जाता है। इसी प्रकार जब हम सचेत अवस्था में होते हैं या अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त होते हैं, तो उस समय हमारे मस्तिष्क से जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, उन्हें बीटा वेव्स कहा जाता है। और जब हम शारीरिक रूप से आराम की अवस्था में होते हैं और कहीं कल्पनाओं में रहते हुए अपने मस्तिष्क का अधिकतम उपयोग कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे मस्तिष्क से उत्सर्जित होने वाली तरंगों को अल्फा तरंगे कहा जाता है। और जब हम जाने या अनजाने में गहरी ध्यान की अवस्था या ऐसी अवस्था में होते हैं जब हमारा चेतन मन पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है और अवचेतन मन स्वप्न देख रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे मस्तिष्क से उत्सर्जित होने वाली तरंगों को थीटा तरंगे कहा जाता है। थीटा तरंगों के उत्सर्जन के दौरान ही हमें कभी कभी अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और हमारी छठवीं ज्ञानेंद्री पूर्ण रूप से सक्रिय होती है। और जब हम गहरी नींद में होते हैं तो उस समय हमारा मस्तिष्क डेल्टा तरंगों का उत्सर्जन कर रहा होता है। अगले और अंतिम चरण में संपूर्ण ध्यान की अवस्था प्राप्त करने का अभ्यास कराते हुए कुछ विशेष संगीत की धुनें सुनाई जाती हैं। इन धुनों में अल्फा और थीटा तरंगे होती हैं। ये तरंगे हमारे मस्तिष्क से ध्यान की उच्च अवस्था या फिर गहरी नींद की अवस्था में प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती हैं। मगर हमारे सुनने की क्षमता सीमित होने के कारण ये हमें सुनाई नहीं देती। इन विशेष तरंगों का प्रसार बाहरी माध्यम से करके मस्तिष्क को ध्यान की उच्च अवस्था में लाने का हम निरंतर अभ्यास कराते हैं। इसके पश्चात सभी प्रतिभागी ध्यान की उच्च अवस्था में जाकर अपने मस्तिष्क का अधिकतम प्रयोग करना सीख पाते हैं। उपरोक्त सभी चरणों को 2 दिन की कार्यशाला के दौरान प्रतिदिन 2 बार दोहराया जाता है। इस प्रकार मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने के लिए अलग अलग आयामों में किए गए क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक प्रयासों के परिणाम स्वरूप मस्तिष्क की क्षमताओं में क्रमशः वृद्धि होने लगती है और वो अपना उच्च प्रदर्शन देते हुए असंभव से लगने वाले कार्यों को भी आसानी से करने में सक्षम होने लगते हैं। और हम हमारे मस्तिष्क की छुपी हुई क्षमताओं को जागृत कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि इस कोर्स के बाद हमारे बच्चे कम मेहनत में अधिक सफलता प्राप्त करने लगे हैं। वो कक्षा और स्कूल की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे हैं। अब उन्हें परीक्षा से डर नहीं लगता, अब उन्हें खुलकर भूख लगती है, अब वो आसानी से किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से करने में सक्षम हो गए हैं, वो क्लास में पढ़ाए हुए विषयों को आसानी से लंबे समय तक याद रख पाते हैं, और जैसे जैसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स पूरा होता है उनका व्यक्तित्व दिन पर दिन निखरता जाता है। और अंतिम परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि बच्चों के एकेडमिक रिजल्ट में उनके IQ के स्तर के अनुरूप 5-15% तक का इम्प्रूवमेंट हो चुका है। अपने बच्चों को उनकी जिंदगी का